नहीं, मुझे लगा कि 12:25, वही मैं सोच रहा था कि मेरी टाइम किसी के बराबर 12:25 से टाइम 12:35 है ना। नहीं, हमें पता होता है कि किस लेक्चर में कितना काम तक पूरा हो गया, तो मुझे लगा कि टाइम हो गया और अभी वहां तक नहीं हुआ जहां तक सोचा उस क्लास में हो गया। जी क्या है मतलब, कैसे कहते हैं सभी? हाँ नहीं, पीछे नहीं है ना, बराबर है। मेरे सारे बैच बराबर चलते, चाहे 8 बैच हो ना, तो 8 ही बराबर है, सब बराबर, सब में एक जैसा। बिल्कुल शफलिंग भी होते तो कभी एक्स्ट्रा क्लास की किसी की जरूरत नहीं, बिल्कुल पिन पॉइंट चलता है सबको। सामने वाले बैच में और आपके बैच में बराबर है। बट शाम वाले बच्चे पीछे रह जाएंगे, शाम की क्लास ले नहीं पाऊंगा, मेरे बहुत भयंकर दर्द। कल का नहीं पता, कल मतलब कल को संडे, कल क्यों आएंगे, नहीं आएंगे कल। कभी कभी ये मौसम गड़बड़ होता है। एक्चुअली मेरे को बैडमिंटन का बहुत भयंकर कीड़ा है, तो जो बच्चे होते हैं ना 20-22 साल के, उनके साथ कभी कभी ज्यादा हो जाता है मामला। कहने का मतलब अपने से छोटो भी फास्ट खेलते ना, हमारे साथ वाले तो खत्म है। नहीं, मैं तो भारी पड़ जाता, मेहनती लोग भाई बचपन से, ऐसे थे पसीना बात है। फिर उधर हटा दू वो टेबल, बातों में मत लगाओ, मेरे को सब पता। व्युत्पन्न नाम पद्धति और पढ़ेंगे, छोटी सी पद्धति लास्ट क्लास। वो टेबल तो होगी उधर, कौन है इतना गरीब उसको भी लिख रहा है अभी तक, वो टेबल नहीं लिखी अभी तक। चलो लिखो, नहीं नहीं आप लिखो लिखो, फोटो वोटो कुछ नहीं देख। अरे फोटो से एल्बम बनती है, लिखने पे नोट्स बनते हैं। नहीं छुटेगा, आप घबराओ ना, इतने सारे तो पेन रख रखे, 8 तरह के। अभी दूंगी एक, उसको नहीं चाहिए, पहले से उसके पास बहुत सारे पेन है, क्यों दूंगी उसको? अगली क्लास में जब आप आएंगे ना, तो एक काम और करना है छोटा सा, कि मॉड्यूल जो आपका है ना, मॉड्यूल 3, उसमें बच्चों एक टेबल बनी हुई है IUPAC के पूर्व लग्न और अनुलग्न की, उसको एक बार देख कर आना है, पहली बात। दूसरी बात, उसको लेकर आना है मॉड्यूल के साथ, है ना। वो टेबल समझ में आया नहीं है, बस एक बार देखना है आपको, हो जाएगा इतना सा। उसकी जरूरत पड़ेगी, आते ही IUPAC शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक। और अभी एक छोटा सा सिस्टम और होता है, व्युत्पन्न नाम पद्धति, 5-7 मिनट में पढ़ लेंगे, इतना सही है। कभी भी क्लास में अपने पक्के दोस्त के पास नहीं बैठना चाहिए, उस बच्चे के पास बैठना चाहिए जिससे या तो अपनी बातचीत नहीं होती हो, जिससे अपनी लड़ाई नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होता, पूरा फोकस यही होता है। तो चारों तरफ संबंध अच्छे रखने में रह जाते हैं, लिख नहीं पाते और क्या है? लिखो लिखो, हटा दें टेबल पक्का, गालियां तो नहीं देगा मास्क के पीछे से।
आराम से लिखने, तो छोटी सी सिस्टम है, ज्यादा नहीं है इसका। क्या बोल रहे हैं? अरे वाह, बहुत बड़ा सवाल पूछा आपने, बिल्कुल आएगा। ये नहीं, इसके आगे जो पढ़ेंगे ना वो भी। टेस्ट कब है? ये कल, कल टेस्ट है क्या? तो नेक्स्ट संडे को ना, तो नेक्स्ट संडे तक तो अपन समावयवता भी पढ़ेंगे बहुत सारी। आईयूपीएससी खत्म हो जाएगा, समावयवता पढ़ेंगे तब। रेगुलर क्लास हो रही है ना, ये क्या बात पूछ।
जी हटा दें आपको उधर लास्ट चीजें, दो चार एग्जांपल लिखने, ज्यादा नहीं लिखने, घबराओ, ये ऊपर ऊपर हटा दें, ये रास्ता। हाँ बिल्कुल लिखो, 2 मिनट में मैं समझा ही रहा हूँ वैसे। सविता मैं 1 मिनट में बताता हूँ आपको, बस क्या हो गया, नाम भी याद, ऐसे थोड़ी होता है, एक बार पूछ लिया तो फिर याद रहेगा। आप तो ये देखो आवाज ही पहचान लेनी, ये है बात। देखो जरा अब ध्यान इधर दो, बस 2 मिनट की रुक जाओ। हाँ क्या बोल रहे थे आप, बोले मिथाइल, इसको क्यों बोलते हैं, ये मिथाइल है तो मिथाइल लिख दिया, वन कार्बन का, नहीं, ऐसे नहीं, वन कार्बन है तो वन कार्बन के ईस्टर को क्या लगेगा, फॉर्म, ईस्टर के पीछे क्या लगता है, एट, तो मिला के क्या होगा, फॉर्म, क्लियर है बात बच्चों। 2 मिनट के लिए एक सवाल का जवाब देना, मैंने लिख ही दिया, घड़ी देखने की तो जरूरत नहीं, आप मेरी तरफ से देखिए। ऐसा आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने नाम के पीछे ना अपने पापा का नाम भी लगा, साउथ में ज्यादा होता है, अपने इधर भी होता है, जैसे कोई कॉमन बताओ आप, गांधी जी, पूरा नाम बताओ ना गांधी जी क्या थे, बहुत ऊपर पहुंच गए आप, तो थोड़ा नीचे आओ, सचिन रमेश तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर है ना, और बताओ कोई कॉमन नाम, जेठालाल झंपकलाल, सही बात है, बिल्कुल सही है, बच्चे ने अपने हिसाब से बता दिया, पसंद है अपनी अपनी, एपीजे अब्दुल कलाम अपने नाम के पीछे क्यों करते हैं लोग ऐसा, अपने नाम के पीछे अपने पेरेंट का नाम क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते, रिस्पेक्ट के लिए, मतलब हमने नहीं लगा रखा तो हम रिस्पेक्ट नहीं करते, जूते मार रहे घर वालों के, व्हाट इज दिस, रिस्पेक्ट के लिए। 1 मिनट में लड़की ने मतलब कॉम्प्लेक्स में डाल दिया, ये रेस्पेक्ट कर रहे हैं, हम तो मतलब रोज ही लड़के आ रहे हैं उनसे, ऐसा कुछ नहीं है, रेस्पेक्ट के लिए, रेस्पेक्ट इज अ मैटर ऑफ हार्ट, नाम से क्या रेस्पेक्ट, इसलिए करते लोग ऐसा कि जब वो अपना नाम बताएं तो सामने वाले को ये पता लग जाए कि ये किनका सुपुत्र है किनकी सुपुत्री है, यस नो, मतलब ये पता लग जाए कि ये किनका व्युत्पन्न है, मतलब ये किनसे उत्पन्न है, यस नो, इसी चीज पर बेस्ड है आपकी व्युत्पन्न नाम पद्धति बच्चों। इसमें हर फैमिली का एक पप्पा होता है, एक पैतृक होता है, एक पेरेंट होता है, और वो फिक्स होता है, वैसे भी पप्पा फिक्स ही होते हैं और होने ही चाहिए, तो हर फैमिली का एक पेरेंट होता है बच्चों, उस कंपाउंड का नाम लिख के उसके पैतृक का नाम उसके पीछे लिख दिया जाता है, कंपाउंड का व्युत्पन्न नाम बन जाता है, वो पैतृक कौन कौन है एक बार समझ ले, एल्कीन फैमिली का पापा कौन है, मिथेन है, एल्कीन फैमिली का पापा कौन है, इथाइलीन, एल्काइन फैमिली का पापा कौन है, ये फिक्स होते हैं ना, ये फिक्स होते हैं, आपको चेंज नहीं करना है, मुझे भी नहीं करना है, एल्कोहल का पापा कौन है, कार्बिनॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, एल्कोहल इज मिथाइल एल्कोहल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बिनॉल, आगे चले, एल्डिहाइड का पापा कौन है, बाद में लगाना स्टार, इधर देखो पहले, एल्डिहाइड फैमिली का पापा कौन है, एसिड एल्डिहाइड, कीटोन का पापा कौन है, एसिड, एसिड का पापा कौन है, एसिड, अब इधर सुनो बात, सबसे पहले एल्केन का व्युत्पन्न नाम लिखते हैं, अब इसमें ये देखें कि व्युत्पन्न कौन सा है, तो भाई यहाँ पर आपको जो सेंट्रल कार्बन होता है ना बीच वाला, उसको पेरेंट की तरह कंसिडर करना होता है, किसकी तरह कंसिडर करना होता है, कौन सा है सेंट्रल कार्बन, ये रहा बच्चों, पप्पा को डाल देंगे डब्बे में, किसमें डाल देंगे, बहुत आसान काम है, डाल ही रखा है बनना, तो पप्पा गया डब्बे में, डब्बे के बाहर जो दिख रहा है ना वो लिखो, क्या लिख रहा है डब्बे के बाहर बताओ, 3 मिथाइल लिख रहे हैं, तो 3 मिथाइल को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइमिथ, बोलो हाँ या ना, और इस फैमिली का पापा कौन होता है, मिथेन, कंपाउंड का नाम हो गया ट्राइमिथाइल मिथेन, खत्म हो गया नाम, आगे चले, इसका सामान्य नाम तो था आइसोक्टेन, पढ़ा था क्या आपने, पर अभी तो पेरेंट नेम बनाना है, बीच वाला कार्बन पप्पा, यस नो, पप्पा गया डब्बे में, आजू बाजू जो दिख रहा है वो लिखे, क्या दिख रहा है आइसोप्रोपाइल, और इधर है टर्शियरी ब्यूटाइल, बात सुन लो मेरी ध्यान से, दोनों में जो अल्फाबेट में पहला जो लिख रहे हैं मुझे दिख रहा है, इधर देखो जो कंपाउंड, बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने क्या कहा है ना, कंपाउंड ये बच्चों यहाँ पर जो जो ग्रुप आइसो और टर्शरी के अल्फाबेट को कंपैरिजन में नहीं लेते हैं, इन दोनों में से जो अल्फाबेट में पहला आएगा उसको पहले लिखते हैं, इधर है प्रोपाइल और इधर है ब्यूटाइल, किसको पहले लिख,
टाइल का, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? टर्शियरी, इसके टी से कंपैरिजन नहीं हुआ, अल्फाबेट का कंपैरिजन ग्रुप से होता है, टर्शियरी सेकेंडरी अल्फाबेट कंपैरिजन में यूज नहीं होता, याद रखिए ना बात। आगे क्या लिखेंगे बताओ? आइसोप्रोपाइल, और फिर क्या हो गया? मिथेन। नाम समझ में आए? खत्म हो गया, क्लियर है बात। और चलो देखो, मत लिखो मत लिखो ऐसे, मत इधर देखो इसका बताओ। अब डबल और ट्रिपल दो, सिंगल दोनों बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड हो गया पप्पा, पप्पा गया डब देने। नाम बताओ? मिथाइल इथाइलिन, इथाइलिन कहाँ से आया? वो रहा ना, पप्पा होता है डबल बॉन्ड, बोलो हाँ या ना। इसका बताओ? वेरी गुड वेरी गुड, डाई मिथाइल इथाइलिन, डाई मिथाइल इथाइल, क्लियर है बात यहाँ पर। इसका भी बताओ जरा क्या होगा, इसका भी वही होगा डाई मिथाइल। बच्चों पप्पा को डब्बे में डालने पे आपको ग्रुप क्लियरली विजुलाइज जाएंगे, तो पप्पा को डब्बे में डाल दिया सबसे पहले, क्लियर है बात यहाँ पर। लेकिन एक पंगा हो गया, तो दोनों की स्ट्रक्चर अलग है लेकिन दोनों का नाम क्या हो गया? सेम हो गया। तो बच्चों सेम नहीं होगा, आप देखें इसमें दोनों मिथाइल का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड बराबर है, यस नो? ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, सममित डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके नाम क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा सिमेट्रिक या सममित डाइमिथाइल इथाइल। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है, तो इसके नाम क्या आगे आएगा? अनसिमेट्रिक डाइमिथाइल इथाइल। समझ में आ गया होगा आपको क्या, बोलो। और आगे चले, कंपाउंड देखें, इस बार पापा कौन है? ट्रिपल बॉन्ड, ये गया डब्बे में, क्या लिखेंगे बताओ? इथाइल एसिटिलीन, बोलो हाँ या ना। आगे चले, एलाइल एल्कोहल है तो एलाइल एल्कोहल, पर वो तो कॉमन नाम है, हमें तो कौन सा लिखना है अभी? व्युत्पन्न लिखना है, तो ये व्युत्पन्न किसका है? एल्कोहल का, फंक्शनल ग्रुप है ना, गया डब्बे में, बोलो क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पर? विनाइल कार्बिनॉल। बच्चों विनाइल कार्बिनॉल इज द डिराइव्ड नेम ऑफ, व्युत्पन्न नाम होता है किसका? एलाइल एल्कोहल, बोलो जरा। और चलो ये क्या है, ये तो वेलेरामाइड है, आइसोवेलेरामाइड कॉमन नेम, पर हमें तो कौन सा लिखना है अभी? व्युत्पन्न नाम, तो पेरेंट कौन सा है? ये एसिटाल्डिहाइड, गया क्या डब्बे में? एच हटा के आपने क्या लगा दिया? आइसोप्रोपाइल, नाम लिखो ना, आइसोप्रोपाइल एसिटाल्डिहाइड, बोलो हाँ या ना। और चलो कीटोन दिख रहे हैं आपको, ये पप्पा गया डब्बे में, आजू बाजू जो दिख रहा है लिख दे, इधर मिथाइल है इधर फिनाइल, अल्फाबेट में लिख दो जो पहले आता है उसको, क्या लिखेंगे? मिथाइल, फिर लिखेंगे फिनाइल, फिर क्या लिखेंगे? एसीटोन, एसीटोन, याद रहेगी बात यहां तक। चलो जी, एसिटिक एसिड दिख रहे हैं क्या? ये पप्पा गया, बाहर क्या दिख रहा है? डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, व्युत्पन्न नाम है, बाद में पप्पा का नाम आ जाएगा, शुरू में ग्रुप के नाम आ जाएंगे, तरीका बड़ा आसान, पप्पा को किसमें डाल दो? बाहर जो दिख रहा है वो ग्रुप लिख दो, नाम खत्म, यस नो। तो ये व्युत्पन्न नाम पद्धति थी बच्चों। अगले टर्न पे जब आप आएंगे तो अपन क्या पढ़ेंगे? IUPAC सिस्टम पढ़ेंगे, जो मैंने बोला है वो काम करके आना है, याद है ना? क्या क्या काम बोला? वो टेबल एक बार देख के आना है, भले ही समझ में नहीं आया तब भी देख के आना है और लेकर आना है, कोई डाउट हो तो पूछ ले आप, बोले जस्ट एक एक। इस वाले में देखो, इसमें दो CH3 है ना, इसमें भी दो CH3 है, इसमें दोनों CH3 दोनों अलग अलग डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगे हुए, मतलब दोनों का जो वितरण है डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? सममित है, समान है, जबकि इसमें दोनों एक ही पे लगे हुए हैं, तो दोनों का वितरण क्या है? अलग। तो कहीं अनसिमेट्रिक लिखा हुआ है डाइमिथाइल, तो हम समझ जाएंगे दोनों मिथाइल कहाँ लगे हुए, एक ही जगह में, सिमेट्रिक लिखा हुआ मतलब एक इधर एक, समझे बात? और एनी डाउट? ये डबल बॉन्ड को डब्बे में इसलिए नहीं डाला क्योंकि जब पिताजी भी होते हैं घर में और दादाजी भी होते हैं तो घर में इन्विटेशन दादाजी के नाम से, तो दादाजी इज फंक्शन ग्रुप, मेन फंक्शन ग्रुप हमेशा प्रायर है, क्लियर है? कहाँ पे टर्शी आया जी? टर्शी है इसलिए टर्शी आया, देखो टर्शी ब्यूटाइल निकालो, पेज पलटो जल्दी से पीछे, आज ही पढ़ाया मैंने, जहाँ एल्काइल ग्रुप पढ़ाया ना, पेज पलटो मैं बता दूंगा, पेज पलटो पलटो आगे। और चलो बस 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 बस, आपने लिखा है पूरा, ये रहा देखो ऊपर 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 ऊपर, इसका लास्ट ही लास्ट ग्रुप देखो, ये नहीं और ऊपर आओ, हाँ ये इसका नीचे नीचे वाला ग्रुप देखो, टर्शी ब्यूटाइल, अरे टॉप पे लिखा हुआ, टॉप पे दूसरे नंबर वाला टर्शी ब्यूटाइल, दिख रहा है? बोलो दिखा मेरे को, दिखाओ, लिखा है इतना बारीक है कि मतलब माइक्रोस्कोप एक लेंस लगाए क्या करें, ये रहा ना देखो ऊपर से दूसरे नंबर का, ये रहा टर्शी ब्यूटाइल, देखो इस बार वही ग्रुप है ना वो, क्या बोला उसको? टर्शी ब्यूटाइल। और कोई डाउट हो तो पूछे बच्चों, देखो इसे डरा मत करो है ना, हमारी इंसल्ट करेंगे, यू करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबका तरीका होता है, अपने को क्या मतलब है, अभी अपने को इज्जत है ही नहीं, अभी तो अपना एक ही है, हमें क्या डाउट नहीं रहना चाहिए बस, है ना? तो पूछा करो आप, नोट कर लिया आपने, अपने
समझाते तब भी लिखते हो मतलब? हाँ और क्या, मेरे साथ सब कुछ, मैं स्लो लिख रहा हूँ, कंधे में दर्द है मेरे साथ। मेरे ख्याल से अब जो चीजें हमने पढ़ ली है उसके बाद जो छोटी छोटी चीजें थी जिनके लिए आप परेशान होते थे इधर उधर, उनके लिए क्लियरिटी आ गई होगी। आप कॉमन नाम वगैरह पता रहेंगे कि कहाँ कोई भी आया तो कैसे है। और अगली क्लास में आप सिस्टमेटिकली यूपीएससी पढ़ेंगे हमको। टर्शरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल मीथेन, टर्शरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल मीथेन। एक बार रिवाइज करके आएंगे इसको, नेक्स्ट दिन पे बात करते हैं, ठीक है? बात कोई डाउट हो तो पूछ लेना नेक्स्ट दिन पे। थैंक यू बच्चों। हाँ जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। हमारा क्या, हम तो फालतू हैं घर से, आराम से जाओ आप।